चलिए, तो आप सभी बच्चे जुट जाएं, आप सभी बच्चे एक बार आ जाएं। आज हम लोग लाइव हम आ चुके हैं, आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से लाइव आ जाने का प्रयास करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं आज, क्योंकि आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आज के लाइव जो हम लोग आने के पीछे का जो रीजन है वह क्या है सो एक बार देख लेंगे आप लोग। आज हम लोग जो लेकर के आए हैं आपके लिए, आज हम जो लेकर के आए हैं आपके लिए वह है क्लास 12। आज जो हम लेकर के आए हैं आपके लिए वह क्या है आपके लिए, वह है आपके लिए क्लास 12 मैथ, क्लास 12 का मैथ। और जो आज हम लोग लेके आए हैं वह लेकर के आए हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब कि समाकलन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी ऐसे वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ लिखा होगा, लिखे हम लोग मज़ेदार ट्रिक के साथ। जी हाँ, जी हाँ बच्चों, मज़ेदार ट्रिक के साथ आज हम लोग आपका इंटीग्रेशन को लेकर के आए हैं। क्या आवाज़ आपका और क्वालिटी दोनों सही है? गुड इवनिंग, आवाज़ और क्वालिटी दोनों सही है, एक बार आप लोग यस बोल दे। और हम लोग आज का जो क्लास करेंगे बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, पहले ही बता दिए हम, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाएं, जितना जल्दी हो सके जुड़ जाएं, क्योंकि आज के बाद आप लोग कह तो दिए कि आप लोग फिर कहेंगे नहीं कि हाँ इंटीग्रेशन जो है इतना ईजी में भी बन सकता था, इंटीग्रेशन जो है इतना ईजी में भी हम लोग बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सीधा लिखे हुआ है मज़ेदार ट्रिक। जी हाँ, जल्दी से जुड़ जाएं, शेयर कर दें, शेयर कर दीजिए आप लोग, जहाँ जहाँ बच्चे हैं आप लोगों का, सभी जगह क्लियर करें। और आज के बाद आपके पास यदि ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है, समाकलन पूछा जाता ही है, तो आप उसका जवाब कैसे जल्दी से जल्दी देंगे उसके बारे में आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, और एक चीज़ और, कहाँ घूम रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। जी हाँ, जल्दी से आप लोग जुड़ जाए क्लास में, और आप देखेंगे आज इंटीग्रेशन समाकलन ऑब्जेक्टिव प्रश्न मज़ेदार ट्रिक के साथ। अभी तक सभी बच्चे आए नहीं हैं, अभी तक सभी बच्चे आए नहीं हैं, तो आप लोग सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं। और जब तक सभी बच्चे आ रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं, जब तक हम आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं, मतलब एक सवाल दे देते हैं, उस सवाल को आप लोग क्या करें बच्चे, सॉल्व करें। बस जब तक सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, जब तक आपके लिए एक हम सवाल छोड़ के जा रहे हैं, मतलब जा नहीं रहे हम यहीं पर हैं, तो आपके लिए एक सवाल दे रहे हैं, उसको सॉल्व करो। सवाल है आपके पास इंटीग्रेशन x into sin x dx। एकदम मज़ेदार प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है, और आपसे यह सवाल बनेगा भी। जब तक सभी बच्चे जुड़ेंगे, जब तक आपके लिए यह एक प्रश्न है, जब तक सभी बच्चे जुड़ेंगे, जब तक आपके लिए यह एक प्रश्न है कि आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके आंसर हमें बताएं। इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, और अपने अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सभी को एक बार लिंक भेज दीजिए और कहें उसको कि आप जुड़ जाएं। सवाल आप लोग लिख लिए होइएगा, और इसको एक बार आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए पहले, जब तक सभी बच्चे आ जाएंगे। जो बच्चे आ गए वह खाली नहीं बैठे, इस सवाल को बनाइए, और जितना आंसर आता है उतना आंसर बताइए। जल्दी से बच्चा, जल्दी से सभी बच्चे को बोले जोड़ने के लिए,
और आपके लिए एक सवाल हम लोग छोड़ गए हैं इस जगह पर, उसको जब तक पूरा करें, जब तक सभी बच्चे आ जाएंगे। और कितना आंसर आया यह भी बताइए, आपको पता होना चाहिए यह किस किस प्रकार का फंक्शन है और कैसे इस सवाल को आप लोग सॉल्व करेंगे। सो किसी का आंसर आया तो बताइएगा और जल्दी बताइए। अभी तक बना ही रहे हैं क्या आप लोग? जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी बताओ। चलिए सर्वेश का आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, और लगभग आपका सही है आंसर, लगभग नहीं सही है ही, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आप लोग सभी बच्चे को जोड़ लेते एक बार तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्यों क्यों जोड़िएगा, क्यों जोड़िएगा और क्यों बोलिएगा जोड़ने के लिए, सो भी हम आपको हम बताए हैं अभी कि आपको जोड़ना क्यों है। आपको जोड़ना है बस इसलिए, आपको जोड़ना है आज बस इसलिए, बस देखो मज़ेदार मज़ेदार ट्रिक के लिए, बस इसके लिए आज आपको जोड़ना है बच्चे को, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसके लिए आज आप जोड़िए बच्चे को। अभी तक सभी बच्चे आए नहीं हैं। माइनस माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी सही आंसर है, आप लोगों ने बनाया इस सवाल को और सही आंसर है। चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे। चलिए इस सवाल को मैंने आप लोगों को दिया था बनाने के लिए और आप लोगों ने इस सवाल को बनाया भी और आप लोगों ने इसका आंसर भी भेजा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और लगभग लगभग आप लोगों ने इस सवाल को बनाने में ले लिए कितना समय, 5 मिनट, पाँच मिनट से ज़्यादा आपने लगभग लगभग इस सवाल को बनाने में ले लिया 8 से 10 मिनट का समय ले लिया। और तो और कुछ बच्चे का जवाब आया, कुछ बच्चे का जवाब भी नहीं आया। बच्चा आज हम सिखा दे रहे हैं, आज हम सिखा दे रहे हैं इस चीज का समाकलन करना, और देखो भागो मत भागो मत। रीजन यह है कि इसका समाकलन करना यदि एक सेकेंड 5 सेकेंड में बनाना होगा वो भी आप बना सकते हैं। यदि एक नंबर में पूछ दिया तो आप इतना समय एक सवाल के ऊपर यदि बर्बाद करते हैं तो क्या आप फिर ऑब्जेक्टिव सवाल क्लियर कर पाइएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका आज मज़ेदार ट्रिक देख लीजिए पहले, क्योंकि मेरा आज जो स्लोगन था वह था मज़ेदार ट्रिक की ओर। तो यह सवाल देने के पीछे का जो रीजन था, मेरा जो रीजन था वही था कि इसका आज हम लोग आपको क्या बता दें, ट्रिक बताएं कि क्या आंसर होगा। ट्रिक जानने से पहले आप लोग हमारी बातों को समझे कि सवाल का जो प्रोसेस है वैसे तो है ही बनाने का, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको, ट्रिक बता रहा हूं। ध्यान से सुनो बच्चा, जो आ गया सो आ गया, जो नहीं आया नहीं आया, यहां देखो और इसको लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यह आएगा और सीधा सीधा 3 सेकेंड में इसका आंसर आप लोग दे देंगे। 3 सेकेंड से भी ज़्यादा का आंसर आप न लीजिएगा, इसका देखिएगा आंसर इतना होगा भाई, बस 3 सेकेंड से भी कम समय। माइनस कॉस एक्स, आपका गलत आ गया, अरे माइनस कॉस एक्स प्लस साइन नहीं, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इतना होगा। चलो कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ गलत बनाए, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ ट्रिक, ट्रिक पे ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दे दीजिए। अब इधर उधर कोई नहीं जाएगा, यहाँ देखो हम क्या कह रहे हैं, जब भी ऐसा फंक्शन नजर आएगा देखना रे, यहाँ पर यह ट्रिक है, एक्स के पावर एन, एन का मतलब कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, और इस जगह पे कोई फंक्शन हो एफ एक्स,
और CX। देखो ट्रिक को, देखो आज ट्रिक समझ गया, इसमें समय लगेगा, इसमें समय नहीं लगेगा, हम कह रहे हैं यह मेरा गारंटी है। मैंने क्या बोला, x के पावर n होना चाहिए और fx होना चाहिए, और fx कैसा फंक्शन होना चाहिए सो देखो, fx fx बराबर होना चाहिए आपका sin x cos x, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं क्या चीज होना चाहिए, त्रिगो फंक्शन होना चाहिए, बस त्रिकोणमिति फलन होना चाहिए fx, fx कैसा फंक्शन होना चाहिए, जो त्रिगो फंक्शन होना चाहिए। और बच्चा आज का क्लास बहुत ही काम का है, हम मजेदार ट्रिक लिखे हुए हैं ना, तो आज आपको जुटना चाहिए था। और क्या हो सकता है, तो fx एक और हो सकता है भाई, एक तो मैंने बता दिया आपको क्या होना चाहिए, त्रिगो फंक्शन होना चाहिए, या फिर e के पावर x, e के पावर 2x, यह सब होना चाहिए, बस दो चीज। और यही एक ऑब्जेक्टिव सवाल में यही सब देता ही है, दूसरा कुछ नहीं देगा। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, देखो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस दो नंबर के लिए आपका प्रोसेस एग्जाम परफेक्ट है, वही बनाइए। लेकिन मैंने यहाँ पे लाया है आज मजेदार ट्रिक, और ट्रिक का प्रयोग करेंगे, और देखो इस सवाल का जवाब कैसे दे दोगे, कैसे दोगे तो जल्दी से देख लो। यहाँ देखो तो x के पावर n है क्या, इसका पावर 1 है, और यहाँ पे त्रिगो फंक्शन है, त्रिगो फंक्शन है ना। अब कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, बस ऐसा फंक्शन है तो आप जल्दी से जल्दी सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, वह कैसे सो देखो, जब ऐसा आ जाएगा, मतलब ऐसा आ जाएगा तो आप क्या क्या सोचिएगा सो देखो, x के पावर जो n होगा मतलब अलजेब्रिक फंक्शन होगा, इसको इसको आप प्रथम पद मान लीजिएगा, यानी कि पहला फंक्शन मान लीजिएगा, पहला फंक्शन बस। और जो आपके पास fx होगा, जो क्या हो सकता है sin cos tan, या e के पावर x, e के पावर 2x, इसको कैसा मान लीजिएगा, आप दूसरा फंक्शन मान लीजिएगा, सही है। मैंने क्या बोला, a के पावर जो n है, x के पावर जो n है, इसको पहला फंक्शन, और fx है उसको कैमरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन मान लीजिएगा, सही है। तो देखो तो यह वाला क्या हो जाएगा आपका भैया, पहला फंक्शन x क्या हो जाएगा आपका, तो पहला फंक्शन, और sin x क्या हो जाएगा आपका, दूसरा फंक्शन। बात को समझिए, पूरा बात आपका क्लियर होना चाहिए आज। और इस प्रकार का सवाल आया, गर्दा छोड़ा देना, क्या छोड़ा देना, गर्दा छोड़ा देना, गर्दा। अब उसके बाद क्या करना सो देखो बच्चा, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना आप, कि जो x के पावर n है ना, x के पावर n मतलब प्रथम वाला, प्रथम का, प्रथम फंक्शन का, प्रथम फंक्शन का आप अवकलन करना, अवकलन मतलब क्या चीज, डिफरेंशिएशन करना, प्रथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। और कब तक करना सो देखो, पहला फंक्शन क्या है, x है, तो बस पहला बात कि x है तो x लिख दो, x है तो x लिखो, जो है उसको लिखो। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना, 1, एक बार और करो, 0, जब तक करो जब तक 0 ना आ जाए, जब तक करो जब तक 0 नहीं आ जाए। तो मैंने पहला फंक्शन x था, x को लिखा, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 0, जब तक करेंगे जब तक क्या नहीं आ जाए बच्चा, 0 नहीं आ जाए। अब क्या करना सो देखो, दूसरा जो फंक्शन है उसका समाकलन करो, दूसरा जो फंक्शन है उसका क्या करो बच्चा, समाकलन करो, दूसरा जो फंक्शन है उसका क्या करो, समाकलन करो। चलो दूसरा फंक्शन क्या है, sin x, sin x का समाकलन क्या होगा बच्चा बताइए, cos x, तो इस इसके नीचे लिख दो cos x, फिर इसका समाकलन करो, फिर इसका समाकलन करो, cos x का समाकलन माइनस का sin x। अब जीरो के नीचे नहीं करना, जीरो के नीचे छोड़ देना, जीरो के नीचे नील, जीरो के नीचे खत्म। अब एक काम और करो, इस जगह पर आप क्या करेंगे, उसके बाद यह x लिखे है ना, इसका इसके ऊपर साइन देना, प्लस से चालू करना और अल्टरनेट चलते रहना, या प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते रहना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलते रहना। अब बच्चा आंसर आ गया, इस दोनों में गुना कर दो, इस दोनों में गुना करो, प्लस x प्लस cos x क्या हो जाएगा, अरे साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, साइन x का क्या होता है, माइनस cos x होता है, सही है, फिर से हाँ यह सही है। या क्या हो जाएगा आपका, इस दोनों में गुना करो, इस दोनों में, इस अरे यार, इस दोनों में गुना करो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, और इस दोनों गुना करो, माइनस वन माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स प्लस सी। देखो तो क्या यही आंसर आया था आपका, क्या देखो मजेदार ट्रिक, पहले ही बोले थे कि आज हम लोग जो लेके आने वाले हैं वह आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं बच्चा, मजेदार ट्रिक। क्या यही आंसर आया था, जल्दी से बताइए, क्या समझ में आया, क्या इस ट्रिक में, क्या यह ट्रिक समझ में आया आप लोग को,
समझ में आया? तो बस यही ट्रिक है आपका, क्या यह ट्रिक आपको समझ में आया क्या? जल्दी से आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्या यह ट्रिक आपके एक नंबर में काम आ सकता है क्या? क्या यह ट्रिक आपके एग्जामों में यदि एक नंबर में पूछ दे तो काम आ सकता है क्या? यही ट्रिक है, इसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। आज गर्दा छोड़ा देना है, गर्दा छोड़ा देना है आप अपने एग्जामों में ऐसा ट्रिक देख करके। देखो देखो बच्चा, देखो बच्चा, एक और सवाल देते हैं, आप इसका आंसर दीजिएगा लेकिन बना करके नहीं। खंदस विधि का प्रयोग मत करना है, यू भी का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा। सवाल आपका क्या है सो देखो, सवाल आपको हम लोग दे रहे हैं, यहाँ है सवाल आपके पास बच्चा मेरे, बच्चा बहन यहाँ देखो। इंटीग्रेशन एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स है, एक्स इंटू क्या है, कॉस एक्स है, वी एक्स है। चलो इसका इसका जल्दी बताइए आप लोग, इसका आंसर जल्दी से, जल्दी से, बस ट्रिक का प्रयोग करके बताइए। सभी बच्चे नहीं जुड़े हैं आज, नुकसान हो सकता है उस सबको। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ। क्या आपने ट्रिक का प्रयोग किया या यू भी का प्रयोग किया? क्या आपने ट्रिक का प्रयोग किया कि या यू भी का प्रयोग किया? क्या आपने ट्रिक का प्रयोग किया? ट्रिक का, वेरी गुड बच्चे, और ऐसे ही बनाते रहिए, ऐसे ही सीखिए। जितना भी सवाल है गर्दा छोड़ा देना यदि एक नंबर में पूछा। मान लो कि यदि एग्जाम में यही सवाल दिया, अब मैं जो बनाया वह गलत है या सही है, आप चेक कर सकते हैं ना, इस ट्रिक के सहायता से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि नहीं। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यस, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। देखो क्या बोले, क्या बोले, फिर से देखिए, जो बच्चे को समझ में नहीं आया फिर से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी, यहाँ देखो सीख जाइएगा। मैंने बताया जब x के पावर n हो और यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन हो, फंक्शन ट्रिगो फंक्शन हो या e के पावर x वाला हो, तो x के पावर मतलब x वाला को प्रथम फंक्शन मान लेंगे और बाद वाले को क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन मान लेंगे। एक्स को प्रथम और बाद वाले को दूसरा। फिर मैंने बोला जो प्रथम मानेंगे जिसको उसका अवकलन करेंगे, सही है, प्रथम जिसको मानेंगे उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले जो है सो लिख दो, फिर इसका अवकलन करो, फिर इसका अवकलन करो, कब तक करो, जब तक जीरो ना आ जाए, है बच्चा, जब तक जीरो ना आ जाए जब तक। अब क्या करो, सेकेंड फंक्शन का समाकलन करो, तो इसके नीचे लिखो कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा भैया, साइन एक्स, साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, यहाँ पे नील छोड़ देंगे। क्या करोगे, साइन बदलोगे, क्या करोगे बच्चा, साइन बदलोगे, प्लस से चालू होना है, माइनस जाना है, प्लस जाना है, इस दोनों में गुना करा दो, दोनों में गुना कराओगे क्या होगा, एक्स साइन एक्स, और इस दोनों में गुना कराओगे तो ए माइनस गुने माइनस प्लस, वन गुने कॉस कॉस एक्स, अब प्लस का सी। देखो यार गर्दा छोड़ा दिए, गर्दा छोड़ा दिए आज के क्लास में, गर्दा छोड़ा दो क्लास में आज। क्या यह ट्रिक आपको कैसा लगा एक बार आप हमें जल्दी से बताएं कि मैं चलूं दूसरे दुनिया में। यह ट्रिक आपको आज कैसा लगा, क्या एग्जाम में यूजफुल है, क्या आपको एग्जाम में, आपके आने वाले एग्जाम में क्या इसका फायदा हो सकता है, क्या आने वाले एग्जामों में इसका फायदा हो सकता है आपको क्या? बहुत आसान। यस यस, इसीलिए आज सबसे कम बच्चा जुड़ल है आज, मजेदार ट्रिक के क्लास में ही सबसे कम बच्चा। अरे बच्चा तो ये बात पेकड़ा बना के दिखा, बना 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 बना, न जुड़ा जो गया, न जुड़ा जो गया। इसको बनाओ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स डी एक्स, हाल तो बहुत अच्छे हैं।
हाल बहुत ही अच्छा है, पहले आप इस ट्रिक का प्रयोग करें, जल्दी से बनाइए। तो चले जल्दी से इस सवाल को क्लियर करके बताइए हमको कि क्या आंसर दीजिएगा आप। जल्दी से बच्चा, जल्दी से। मान लो कि इसका इंस्टिगेशन करने जाओगे ना, यदि इसका इंस्टिगेशन करने जाओगे तो दो बार करना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। और हमारे कहे हुए हमारे दिए हुए ट्रिक का प्रयोग करोगे तो हमको नहीं लगता है कि दो बार करने की जरूरत है, या फिर आपको गलत भी होने की संभावना है। गलत भी नहीं होगा, नहीं आपको दो बार करने की जरूरत भी पड़ेगी। चलिए सर्वेश का आंसर आ गया है 2xe का पावर x, आया है 2x माइनस। एक बार सही से बनाओ ध्यान से बनाओ। मैंने क्या कहा उसको पहले देखो, पहला जो फंक्शन है उसको, जो पहला वाला फंक्शन है ना उसको लिखते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। कहाँ तक करते हैं? जब तक जीरो ना हो जाए जब तक करते हैं, सही है। फिर से बनाइए। ए बच्चा, इतना देर में तो तू सब वथियों का प्रयोग करके बना सकते हो, हैं क्या? इतना देर में, इतना समय में तो हम लोग सूत्र का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, इतना समय लगाइएगा? देखो यहाँ देखो हम दिखाता है, यहाँ देखो छोड़ दो, नहीं बनाओ। बोल दिए ना, हम बोले ना, सीखना है कि अभी आपको अति बनना है, सीखना है ना तो यहाँ आइए। मैंने क्या बोला देखो तो, x के पावर n वाला आ गया तो आ गया, और फंक्शन जो है क्या ऐसा है, यदि है तो क्या करोगे, पहला फंक्शन का अवकलन, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर लिखो, है यहाँ देखो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो क्या होगा, 2 होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो क्या होगा, 0 होगा। हम अभी ना बोले हैं बच्चा कि कब तक करते रहो, जब तक कि जीरो ना आ जाए। अब बताइए अब क्या करोगे, तो बाद वाले फंक्शन का क्या कर दे बचवा हो, इंटीग्रेशन, समाकलन, तो e के पावर x का समाकलन e के पावर x, फिर e के पावर x का समाकलन e के पावर x, फिर e के पावर x का समाकलन e के पावर x, जीरो के नीचे खाली। अब इसको बना दो प्लस, इसको बना दो माइनस, इसको बना दो प्लस, इसको बना दो माइनस, और क्या करो बच्चा, क्या करो कि इस दोनों को गुणा करा दो, इस दोनों को गुना करा दो, आंसर खत्म। गुना करा, प्लस गुना प्लस प्लस, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स होगा, प्लस माइनस है यहाँ पे प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x ई के पावर एक्स होगा, फिर यहाँ चेक करो तो प्लस 2e के पावर एक्स हो जाएगा, इधर खत्म। आप चाहें तो इसमें e के पावर एक्स का कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, देखो या कितना जल्दी में आंसर आ गया प्लस का सी। कहते हो कि नहीं होगा, इतना आसान तो आप उस विधि से भी नहीं बना सकते थे, लेकिन हाँ यह ऑब्जेक्टिव में ही प्रयोग कीजिएगा, इस बात को ध्यान रहे। क्या इतना आया है किसी का, क्या यह चीज़ समझ में आ गया आप लोग को, क्या यह चीज़ समझ में आया आप लोग को? हाँ देखो, करने से होगा, प्रैक्टिस जो है आपको करना पड़ेगा, सही है बच्चा, प्रैक्टिस जो है आप अपने बुक से सवाल को निकालिएगा और इस पर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा, सही है। चलिए इस ट्रिक को मैंने अब छोड़ा, आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं।
चलिए आया था, लेकिन हाँ आया होगा थोड़ा सा लिखने में हो गया होगा, एक्स स्क्वायर कैसे लिखे, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस दू एक्स ई के, हाँ यह हो सकता है कि आपको लिखने में परेशानी आई होगी। चलिए कोई बात नहीं है, तो आप इस ट्रिक को लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर से दोबारा क्लास खत्म होने के बाद, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। हाँ हम बोले ना, हम तो बोल दिए, आपकी बात को हम जान सकते हैं। आप इस ट्रिक को लिख लीजिएगा, फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चा, आगे देखो। यह तो गुना वाला था, आपने समझा। अब देखो, अब आगे हम एक सवाल देते हैं, इस सवाल के बारे में आपका क्या राय है। इंटीग्रेशन रहेगा 2x प्लस 3 है बाई रूट ओवर है बच्चा, रूट ओवर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 और dx है। इस सवाल को यदि हम बोले बनाने के लिए कैसे बनाओगे, क्या आप हमें बता पाइएगा, क्या आप हमें बताइएगा। इंटीग्रेशन है 2x प्लस 3 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। कहने का मतलब यह है कि ऐसा सवाल यदि आपके एग्जाम में एक नंबर में दे दिया, क्या कीजिएगा। यदि ऐसा सवाल आपके एग्जामों में एक नंबर में दे दिया तो क्या कीजिएगा। सवाल को छोड़ के आना नहीं ना है बच्चा, सवाल को छोड़ के आना है तो बोलो कि छोड़ के चलाएंगे सर, छोड़ के नहीं आना है। अब हम बताते हैं उस पर ध्यान दो, हम जानते हैं कि आप बना लीजिएगा, लेकिन हम किसका प्रयोग करने वाले हैं आज, शायद आपको पता होगा। आज हम लेके आए हैं क्या तो मजेदार ट्रिक। आज हम लेके जो आए हैं उसका नाम है ये मानकर नीचे वाले को, हाँ वाई मानकर नीचे वाले को वाई मानकर। बहुत अच्छे। लेकिन जब एक नंबर में आ गया बच्चा, ध्यान दो, बस ट्रिक पे ध्यान देना है। अब ट्रिक कैसे लगेगा, तो आपके प्रैक्टिस करने से, सही ना। ट्रिक कैसे लगने वाला है, तो आपको प्रैक्टिस करने से लगेगा। जब सवाल जब भी आए देखिएगा ऐसे, तो उसको ट्रिक से भी बनाइए, लॉन्ग प्रोसेस भी बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, नीचे वाले को वाई मान करके, तो हम ट्रिक क्या कहने वाले हैं सो देखो, ट्रिक हम कहने वाले क्या है देखना। जब भी आपको इंटीग्रेशन दे, और किसका इंटीग्रेशन सो देखो, यहां पे क्या लिख रहे हैं, यहां देखो, पहले हम लिख दिया, लेकिन लिखा क्या चीज आपको समझ में आया नहीं आया, अब आ जाएगा, सही है। देखो मैंने क्या लिख दिया, कोई फंक्शन है, नीचे देखना, रूट ओवर के अंदर कोई फंक्शन है, यहां पे देखो, यहां पे कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है, और वह फंक्शन कहाँ है भाई, रूट के अंदर है, और इसी फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन है। इसी फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो इसका आंसर सीधा एक लाइन में, देना, अब दू रूट ओवर क्या लिखोगे, हाँ सही लिख रहे थे, दू रूट ओवर एफ एक्स प्लस सी। लो या लो या आंसर आ गया, बस आ गया, यही आंसर होगा। क्या लिखोगे, दू रूट ओवर एफ एक्स प्लस सी। चेक करो तो क्या इतना ही, कितना आंसर कितना है आप लोग का, इतना ही आएगा। देखो मैंने क्या बोल दिया, एकदम आसान तरीका आ गया ना। जब नीचे क्या हो, रूट के अंदर कोई फंक्शन हो, और इसका क्या हो, डिफरेंशिएशन मौजूद हो, सीधा और सीधा आंसर मारना क्या चीज, दू रूट ओवर एक्स। बस देखो यहाँ पर, यहाँ देखो अब सवाल में, मैंने देखा 2x प्लस 3, मैंने देखा नीचे रूट ओवर है, और हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन प्लस का 3, इसका 0। ऊपर वाला मजेदार ट्रिक, दू रूट ओवर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, माइनस 5 प्लस सी, आंसर खत्म। लो या एक नंबर में पूछा सवाल, उड़ा दो गर्दा छोड़ा दो। क्या इस सवाल में किसी प्रकार का दिक्कत है तो बता दीजिए भाई, क्या इस ट्रिक में परेशानी है तो बताइए। ट्रिक लगेगा, लगाना पड़ेगा आपको।
नहीं तो आप जानते हैं नीचे वाले को मान करके बना लीजिए, बहुत मान करके बनाना सिखाएं। आज ट्रिक से पढ़िए, मजेदार ट्रिक। क्या 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 हो गया भाई? नहीं सर, मतलब क्या इतना आंसर ना आता ही? क्या बात करते हो भाई, नीचे वाले को y मानो, y बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 3 और कितना dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं आओ, हम तो इसका आंसर चेक कर रहे थे, कहीं ऐसा ना कि मेरा आंसर गलत हो गया। आंसर ये नहीं आया है, चलिए नहीं आया तो हम इसका पूरा प्रोसेस के साथ बना के देखते हैं। क्या? चलिए प्रोसेस के साथ बना करके देखते हैं, आपके कथन के अनुसार कि आंसर नहीं आया है तो चलो नीचे वाले को y मानेंगे, कितना होगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5, इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3 और कितना gx, चलो इसमें मान रख दो कि 1 बाई रूट ओवर y और कितना हो जाएगा इस जगह पे भाई gy हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, y के पावर माइनस 1 बाई 2 लिखेंगे, gy लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना चालू करो, एक पावर जोड़ दिया जाता है तो y के पावर 1 बाई 2 आएगा, इसको सॉल्व करो 2y रूट ओवर y आए। क्या बात करते हैं भाई, क्या बात करते हैं कि आंसर इतना नहीं आया है हो, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर कि आंसर इतना नहीं आएगा। सही है भगवान, तब बताओ आपका तो लॉन्ग प्रोसेस भी गलत होता है तो शॉर्ट प्रोसेस क्या अपनाइएगा। चलो कोई बात नहीं है, क्या इसमें दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान देंगे। फिर से चीज को सुनिए, फिर से चीज को सुन लीजिए, मैंने ट्रिक क्या बताया, मैंने आपको ट्रिक क्या बताया। ट्रिक पे ध्यान नहीं देते हैं बच्चा, हमने इसीलिए आज आपको लाए हैं ट्रिक कि कोई भी सवाल एग्जाम हॉल में यदि बनाए, यदि आप 30 मिनट पहले बना लेते हैं तो हम कहते हैं क्या चीज कि आप उस 30 मिनट में पूरे सवाल को पूरे ट्रिक के साथ आप सॉल्व भी करके आंसर्स ला करके यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका बना हुआ सही है कि गलत। और प्रत्येक एक्सरसाइज का मैट्रिक्स हो, डिफरेंशिएशन हो, कुछ भी हो, हम सबका ट्रिक आपको बता देंगे कि एग्जाम हॉल में चेक कैसे किया जाएगा। आप खुद बता लीजिएगा बना हुआ सही है या गलत है, लेकिन हाँ चीज को ध्यान से समझे। मैंने क्या बोला कि कोई आपके पास एक फंक्शन है ऐसे भाग में, और नीचे आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, सही है, और इस फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है। कहाँ ऊपर डिफरेंशिएशन मौजूद है? तो ऐसा यदि नजर आएगा तो सीधा इसका आंसर देना, सीधा इसका आंसर देना बच्चा, क्या देना, तो 2√fx बस, प्लस का c बस, यही आंसर देना, सही है, सही ना, इतना ही आंसर देंगे। यदि लो एक सवाल देख लो, यदि हमने आपको कहा इंटीग्रेशन और यहां पे मैंने आपको दे दिया 5x के पावर 4 दे देते हैं, चलो थ्री एक्स माइनस का 4 ये ले लेते हैं, मैं रूट ओवर यहां दे देते हैं, मान लो कितना 3x प्लस का 5 dx, लो या सवाल ये आपका हो गया, कितना हो गया 2x माइनस 3 बाई रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब देखिए क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो कहिएगा हाँ सर जी 2x माइनस 3 ऊपर है, क्या ऐसा नजर आया? तो ऐसा नजर आया था, सीधा आंसर 2√ जो नीचे है जो फंक्शन है उतना लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, आंसर खत्म। देखिए कितना जल्दी बन गया, कितना जल्दी बन गया। अब इसको आप y मानिए ऑब्जेक्टिव सवाल जैसा, क्या इसको आप y मानिए ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा तो भाई हम ऐसे प्रयोग करो ना, ऐसे प्रयोग करो, ऐसे प्रयोग करना, सही ना, अब ऐसे ही प्रयोग करना है आप लोग को, इस बात को ध्यान रखेंगे, एकदम ऐसे ही प्रयोग करना है आप लोगों को अब सवाल में, और कुछ नहीं।
अब देखो एगो चीज़ यहीं पे बता देते हैं बचवा। ओ बच्चा देख लो यहीं पे, मान लो बाय चांस, अच्छा आप लोग आंसर दीजिएगा, मान लो बाय चांस यह नीचे जो है बउआ, ए देखो ना यहाँ पे नीचे जो है रूट ओवर एक्स एफेक्ट्स दिया था ना। अब हम मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा, यानी कि रूट नहीं है तो क्या आंसर दीजिएगा बताइए तो, रूट नहीं है तो क्या आंसर दीजिएगा। आज ट्रिक चलेगा, मजेदार ट्रिक, पहले ही बोल दिए थे आप लोग को, क्लास में आज जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज के बाद आप लोग कभी भी इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव सवाल आया और बहुत लंबा लंबा सवाल आएगा, जिसको देख करके बोलिएगा यह एक नंबर में पूछने वाला सवाल था, एक नंबर में पूछने वाला सवाल था कि एक नंबर में पूछ दिया है, उस सब सवाल को भी आप आंसर दे सकते हैं। बताइए यदि ऐसा कुछ होगा तो आप इसका आंसर क्या देने का प्रयास करेंगे। यदि इस जगह पे आपके पास fx है, नीचे fx है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है dx है, तो आंसर क्या दीजिएगा जल्दी से बताइए, क्या कोई बता सकते हैं, यस या नो बोलो भाई। हम है ना आपको प्रत्येक सवाल का हम आपको बता रहे हैं ना कि क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा। सो देखो यहाँ सुन लो, वन दीजिएगा, रे लोल रे लोल रे लोल, चलो कोई बात नहीं वन दो। नीचे देखो रे, अरे देखो बच्चवा, अरे बच्चवा, अरे बच्चवा, यहाँ ध्यान दो, नीचे एफ एक्स है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, नीचे एफ एक्स है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन क्या है बच्चा मौजूद है, तो सीधा और सीधा इसका आंसर देना क्या चीज, लॉग, लॉग क्या देंगे आंसर, लॉग। और आपके पास एफ एक्स है तो एफ एक्स प्लस सी, लो आंसर आ गया। यह आंसर देना बचवा, सही ना, आंसर क्या दोगे पता चला क्या, बता क्या दोगे, जब फंक्शन कैसा हो, फिर से देख लो बच्चा, बाद में हमको नहीं बोलना कि भैया यह क्या हो गया। देखो जब भी आपके पास फंक्शन हो, एक फंक्शन हो, नीचे फंक्शन होगा और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद होगा, और ध्यान रहे फंक्शन रूट में नहीं है इसका, इस फंक्शन या फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो, तो इसका आंसर सीधे देना लॉग, और जो फंक्शनवा होगा ना, जो फंक्शन होगा उसको लिख देना आंसर खत्म। एक नंबर में दिया तो इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं करना है बउआ, इतना लंबा चौड़ा कहानी न करे के बा, न तो हो जाए खेला, हो जाए कथी खेला, खेला हमको नहीं करना है, खेला हमको नहीं करना है, इस बात को क्या रखना है, ध्यान रखना है कि खेला हमको नहीं करना है। जैसे देखो, अब देखो बच्चा, एक दो इस पर भी कहानी देख लो, सुन लो, समझ लो, इसको तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मैंने किया क्या चीज इसको। सो चलो, इसका कहानी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, आ जाइए इधर। मान लो बच्चा, हम आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछ दिए, 6x के पावर 5 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 6 dx। अब सवाल दे दिया एक नंबर में, क्या करोगे बच्चा बताते जल्दी से, क्या करोगे भाई मेरे, आज के क्लास का जवाब ही नहीं है आप तो लाजवाब है, आज के क्लास का कोई जवाब ही नहीं है बच्चा मेरे, क्योंकि इतना मजेदार तरीका आपने अभी तक तो नहीं देखा होगा। क्या करोगे भाई मेरे, क्या करोगे इस सवाल का आंसर, बनाने चले गए क्या आप लोग, अरे बनाइए मत, सही से देखो यहाँ देखो, यदि हम नीचे देखे, दो फंक्शन है, एक ऊपर है एक नीचे है, इसका डिफरेंशिएशन 0 और प्लस इसका डिफरेंशिएशन 6x के पावर 5, मतलब 6x के पावर 5 जो कि ऊपर मौजूद है
चिक लगाएंगे, हाँ ऊपर मौजूद है, मतलब आंसर खत्म। तो इतना बोलने में हर्ज, दिक्कत हो गया आंसर, हो गया आंसर। आज पहले ये बोले थे ना, आज मजेदार क्लास चलने वाला है, आज मजेदार, हाँ आज ऑब्जेक्टिव के लिए मजेदार है। कल हम इस पर सीधा सीधा सवाल लाएंगे ऑप्शन के साथ, आप धड़क धड़क का आंसर बोलिएगा, ए बी सी, ए बी सी जो होने वाला होगा सो। कल के क्लास में धड़क धड़क आंसर बोलना है आपको, सीधा ए बी सी, ए बी सी, क्योंकि ऑप्शन के साथ कल सवाल आएगा। और इसीलिए एक दिन पहले, मतलब आज हम लोग इस ट्रिक को बता दिए हैं कि यदि यूज पड़े तो आप लोग कर सकते हैं। चलो चलो इस पर और सवाल देखो भाई, इस पर और सवाल देखो, आज का क्लास लाजवाब होगा भाई। एक और सवाल इस पर देखो, एक और सवाल देखो तो इसको, इंस्टिगेशन, चलो इसको कैसे बनाओगे हमको पता नहीं है, क्या यह इस पर रूल लगेगा कि नहीं लगेगा हमको नहीं पता, हमको नहीं मालूम क्या यह चीज कैसे बनेगा, इसका इंस्टिगेशन करना है। मतलब एक नंबर में सवाल पूछ दिया, क्या करोगे, यह सवाल आपका एक नंबर में पूछ दिया, क्या करोगे जल्दी से बताइए तो। वन प्लस लॉग वन प्लस एक्स के पावर 6 सही है, क्या करोगे जल्दी से बताइए इसका। एकदम गर्दा छोड़ा दो, आज के क्लास को बार बार रिपीट कर लेना आप, क्लास खत्म होने के बाद फिर सोने से पहले, क्लास खत्म होने के बाद सोने से पहले एक बार इसको फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आज का यह क्लास जो है आपका मजेदार है। मजेदार इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रिक आपका कितना मजेदार है। हाँ लिखने में परेशानी होती होगी नहीं, कि कैसे लिखें, यह तो है, तो कल परेशानी नहीं होना चाहिए, कल परेशानी नहीं होना चाहिए बुआ, कल परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन देंगे तो ए बी सी जरूर बताइएगा, सही ना। हाँ चलो हम बताते हैं इसका, इसका तरीका हम बताते हैं बनाने का, देखो यहाँ पे, हाँ सही में सही में सही में, देखो देखो देखो, हमने बोला कि इस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन चेक करो, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करो, एक का तो जीरो होगा खत्म करो, इसका करो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, यही ना होगा। इस पूरे को क्या लिख सकते हो, साइन 2x, हाय 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 हाय, अभी गुरुजी बतालाई कि साइन 2x ऊपर है, कि अभी बतालाई नीचे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर होगा, तो आंसर लॉग 1 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब लॉग लॉग जो फंक्शन है सो, लॉग जो फंक्शन है सो, क्या क्या इतना आंसर आया था आप लोग को, लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या इतना आंसर आया था, लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 लॉग कॉस एक्स प्लस सी। माइनस 2 लॉग कॉस एक्स प्लस सी, पता नहीं आप बना के देखिए, देखने से ही लग रहा है हमको ऐसे भी सवाल मिलेगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको वाई मान के बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हमको जितना आसान से आसान सवाल मिलेगा, मतलब जैसे जितना आसान हो सके उतना काम करेंगे ना, वैसे काम करेंगे। चलिए एक एक और फंक्शन पे विचार करते हैं, एक और सवाल को देखो, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, दो का आंसर बताइए आप लोग, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स का, एक इसका बताना है और एक इसका बताना है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का, चलिए बताइए तो इस दोनों का आंसर क्या होगा, पहले इसका बताइए tan x का बताइए, पहले पहले tan x का बताइए कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x का इंटीग्रेशन याद करके नहीं, याद किए हुए है ना, हाँ याद किए हुए हैं इसको, आप लोग इसको याद किए होंगे, log sec x, log sec x, log sec x, कल भी बताया गया था, कल भी बताया गया था ना बच्चा, कल भी बताया गया था log sec x, सही है भाई, log sec x। अब देखो, अब मान लो एग्जाम हॉल में भूल गया tan x का फॉर्मूला क्या होता है, चार ऑप्शन देखने के बाद,
माइनस लॉग साइन एक्स, माइनस लॉग साइन एक्स गलत हो गया ना, माइनस लॉग साइन एक्स गलत हो जाएगा, माइनस लॉग साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स सही होगा, माइनस लॉग कॉस एक्स सही होगा, साइन एक्स गलत हो जाएगा, माइनस लॉग साइन एक्स गलत हो जाएगा। कौन भेजता है भाई लॉग साइन एक्स, किसका किसका भेज दिया, अच्छा इसका भेजे हैं क्या, कॉस एक्स का भेजे हैं क्या, हमको तो लग रहा है कॉस एक्स का भेजे होंगे, हाँ कॉस एक्स का लॉग साइन एक्स सही है, कॉस एक्स का लॉग साइन एक्स सही है। अब देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, बाई चांस एग्जाम हॉल में चार ऑप्शन देखने के बाद दिमाग चकरिया गया, दिमाग में क्या हो गया, चक्कर आ गया, दिमाग में चक्कर आ गया, तो बात को समझो, बात को समझो, यहाँ पे इसको समझो, अभी क्या टेन को लिख सकते हैं भाई मेरे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। सो देखो यहाँ पे हम दिमाग में चक्कर आ गया तब की बात कर रहे हैं, याद है तो कन्फर्म है और न है तो कोई बात ना है। यहाँ देख लो, देखो यहाँ पर, यहाँ पर चेक करो भाई मेरे, इस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो माइनस का साइन एक्स, क्या यह ऊपर मौजूद है, देखते हाँ ऊपर मौजूद है, अरे वो माइनस है ना फालतू है, माइनस है ना फालतू है, माइनस को पकड़ के रखो हाथ में, माइनस को पकड़ के रखो हाथ में, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो आंसर क्या चीज हो, लॉग लॉग, और जो आपके पास फंक्शन है सो हो गया लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और माइनस जो बचा हुआ था ना, मतलब जितना बच गया था उतना से दे दो भाग, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी हम एक्स्ट्रा सवाल देने वाले हैं इस पर, माइनस से माइनस वन, माइनस बचा हुआ था माइनस, तो माइनस वन समझते हैं उसको, माइनस वन से दे देंगे भाग, मतलब कि इसका आंसर क्या हो गया, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब कहियो दिमाग में चक्री आएगा, दिमाग में चक्कर आएगा, दिमाग में चक्कर अब कभी नहीं आना चाहिए, याद रख लो बउआ, याद रख लो, दिमाग में चक्कर कभी ना आना चाहिए, अब आना ही नहीं चाहिए दिमाग में चक्कर। चलो एक बात और देखो, इस माइनस को यदि आप अंदर भेज देते हैं अंदर, तो आपका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, हो ऐसा हो जाएगा, क्या चीज, लॉग, और यह जो है आप जो देख रहे हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स ना होकर के क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, चूंकि वन बाई कॉस सेक एक्स हो जाएगा, वन बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, इसलिए लॉग सेक एक्स प्लस सी। यह दो आंसर होता है किसका, टेन एक्स का, यह दो आंसर होता है टेन एक्स का, याद रखेंगे, याद रखने का आसान तरीका, यहां से टेन को क्या करो, साइन बाई कॉस लिख लो, और अभी 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 गुरु जी का ट्रिक, मजेदार तरीका, अभी अभी गुरु जी का जो तरीका बताया गया उस पर ध्यान करो, आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आ जाएगा, सही ना, परेशानी नहीं हुआ होगा इसमें। अब देखो, अब देखो दूसरा चीज, दूसरा चीज क्या चीज था, हो कॉस एक्स का ना, दूसरा कॉस एक्स का, ध्यान दीजिए आज आप लोग एकदम तरीका को अपनाइए, चीज को अपनाइए, यह सब आपके काम का चीज है। दूसरा क्या बोले थे हम लोग, कॉस एक्स का, अब बताओ इसका, हमको तो याद नहीं है भाई, आप लोग बता दिए तो बता दिए, हमको याद नहीं है, कॉस एक्स को क्या लिख लो, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हो क्या, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हो कि नहीं, हाँ या ना, बोलो जल्दी, लिख सकते हैं, तो बताइए क्या नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है क्या, साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स ही ना होता है, तो ऊपर मौजूद है, वो आंसर खत्म, जब नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो सीधा आंसर हम लोग जानते हैं लॉग, और जिसका डिफ्रेंसिएशन मौजूद है सो आंसर खत्म, आंसर खत्म प्लस सी, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा कि नहीं होगा सो बताइए, बता दीजिए आप हमको कितना होगा कि नहीं होगा, इतना होगा ना एकदम क्लियरली, इतना होगा भाई, आप चिंता क्यों करते हैं, चिंता क्यों करते हैं, चिंता चिता के समान हो जाएगा। अब इसका दूसरा कोई आंसर बताएगा क्या, इसका कोई दूसरा आंसर बताइए, कॉस एक्स का, कॉस एक्स क्या इंटीग्रेशन का दूसरा आंसर, दूसरा आंसर बताइए, तो इसका दूसरा आंसर कोई दे सकता है क्या, इसका दूसरा आंसर आप लोग बताएंगे क्या हमको, होगा होगा, हाँ होगा, हम भी जानते हैं होगा, क्या इसका दूसरा आंसर बउआ, यहां देखा
क्या इसको इसको देखो, यहाँ देख लो, देखो एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए प्रैक्टिस करना होता है बुआ, या दूसरे नंबर में कहीं कहीं आ जाएगा, गलत करोगे तो आराम से इसको इतना लिखना और गुरु जी का ट्रिक याद रखना कि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला होगा तो लॉग, जिसका डिफ्रेंसिएशन मौजूद है सो आंसर खत्म। अब देखो क्या इसको इतना लिख सकते हो रे, लॉग इस साइन को ऐसे लिख सकते हो, वन बाई क्या चीज, वन बाई कौशेक, वन बाई कौशेक लिख सकते हो, प्लस का सी ए लगाते रहना, इस साइन को वन बाई कौशेक लिख सकते हो ना, इसको तंगा ऐसे लिख सकते हो लॉग वन माइनस कितना हो लॉग कौशेक, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, खाली यस या नो, यस। लॉग वन का मान जीरो होता है, जीरो माइनस इतना क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कौशेक एक्स प्लस का सी, देखो यहाँ एक और नया आंसर आ गया, यानी कि कॉस एक्स का दो गो आंसर, कॉस एक्स का दो गो आंसर होगा, एक होगा लॉग साइन एक्स और एक होगा माइनस लॉग कौशेक एक्स, एक होगा माइनस लॉग कौशेक एक्स होगा ना बच्चा, माइनस लॉग कौशेक एक्स दो आंसर हो जाएगा इसका, कितना आंसर हो जाएगा, दो आंसर हो जाएगा, चलो एक सवाल आपके लिए वो भी ट्रिक से बनाइएगा, कोई सवाल बनाएगा नहीं, कोई बनाएगा नहीं, बनाते हुए पकड़े जाओगे मार खा जाओगे, हाँ आप कहिएगा कैसे पकड़िएगा, तो हम जानते हैं कि जो ट्रिक अपनाएगा वह जल्दी बनाएगा, जो ट्रिक अपनाएगा वो जल्दी मैसेज करेगा, और जो बनाने के चक्कर में रहेगा वो बनाएगा उसके बाद ही ना भेजेगा हमको, क्या हाँ कि ना, चलो इसको बनाओ एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर सी एक्स, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसाने ऐसाने सवाल होता है ऑब्जेक्टिव में, सही ना बच्चा, ऐसाने ऐसाने सवाल होता है, अब बच्चा खेलते रह जाता है, बच्चा खेलता रहता है खाली, अगले क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, आज हम लोग ट्रिक के बात किए हैं, और अगले क्लास में जब ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो चूंकि ऑब्जेक्टिव बन चुका है, तो ऑब्जेक्टिव जब लाएंगे तो आप लोग उस सभी सवाल को अच्छे से सिर्फ आंसर आपका देना रह जाएगा ए बी सी, वैसे आप तो आंसर देंगे, अभी तक आंसर आया नहीं भाई, आंसर ना आने के पीछे का रीजन समझ रहे हैं हम, बना रहा है वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, चलो 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 आ जाइए ट्रिक की ओर आ जाइए, यहाँ देखो तो बच्चा अभी मैंने क्या बोला था, देखो बार बार कहते हैं यदि हम बोले एक थो, देखते हैं किसका आंसर सही है, देखते हैं यदि हम कुछ भी बोले तो उसको थोड़ा सा आप लोग पकड़िए बात को, देखो अब इसको चेक करो, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो जीरो फिर प्लस, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2x, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया मेरा 2x आ गया, और ऊपर है कितना तो x है, ऊपर है कितना x है, और आया कितना 2x आया, तो इससे पहले देंगे याद करता, इससे पहले याद करो था हमने ऐसे था शायद साइन x था बाई कॉस x था, याद करो क्या किए थे, इसका डिफ्रेंसिएशन किए थे कितना आया था माइनस साइन एक्स आया था, हम क्या किए थे बच्चा कि साइन एक्स को पकड़े थे और इसको छोड़ के चले थे, क्या माइनस वन को छोड़ के चले थे ना, साइन एक्स को पकड़ लिए थे, तो एक्स को पकड़ो और दू को छोड़ो, अब बताइए यानी कि कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंसिएशन मौजूद है, तो जब मौजूद है तो गुरु जी बतलैय कथी कि लोग जिसका फंक्शन मौजूद है उसको लिख दो ना वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या प्लस का सी, बस इतना ही बोल रही है गुरु जी, आ ई ना बोल रही है कि जितना बचल है उतना से
उतना से भाग देवे के न बोल रही हो, कितना बचल यहाँ पे दू ना, तो दू से भाग दे ना यहाँ पर, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा भाई, वन बाई दू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ले लो या मजेदार ट्रिक, हलवा हलवा बन गया सवाल आज। आज इतना इजी इजी सवाल सब आपको लगा होगा, पता नहीं, एकदम इजी सवाल सब है भाई, एकदम इजी सवाल है। वन बाई दू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ सही है सही है सही है सही है सही है। तो हम कह रहे हैं कि सवाल को कैसे बनाओ, थोड़ा सा आप जो आपके पास प्रोसेस है उसको बनाओ, बेशक बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग क्या ध्यान रखिए, इस ट्रिक को भी ध्यान रखिए, कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो बहुत 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 काम आएगा, बहुत काम आने वाला, इस बात को याद रखिएगा, बहुत काम आएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इतना काम आएगा कि पूछिए ही मत, हम बता ही नहीं सकते हैं। चलिए, तो आज आप लोग यह मजेदार ट्रिक इसलिए आया था कि जब हम आपको अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे तो उस जगह पर आप अपने समय को बर्बाद न करते हुए, अपने समय को बर्बाद न करते हुए सवाल को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ट्रिक आपको ध्यान होगा, सवाल का आंसर जवाब आप क्या करेंगे, जल्दी देंगे, सही ना। इसलिए इसको हमको लाने के प्रयत्न लाए हैं कि आपको समझ में आए चीज़, जब अगले क्लास में जब आपका जब भी क्लास हो, कल हो परसों हो, मतलब कल हो, तो आपको जो है क्या हो कि जैसे ही सवाल मिले इसका आंसर आप, हाँ यह हो, बी होगा, ए होगा, सी होगा, डी होगा, कुछ भी आंसर हो, आप तुरंत इसका जवाब दे सकें। आज बच्चा भी पूरा जुड़ा नहीं है तो आप लोग वीडियो को शेयर ही कर देंगे, क्योंकि तो वो सब अपना देख लेगा, देखेगा फिर भी सही, नहीं देखेगा फिर भी सही, तो होगा क्या चीज़ यही कि यदि आप लोग बनाइएगा 25 सेकेंड में, मतलब एक मिनट में, तो वो बनाएगा 4 मिनट में, कि बोलेगा कि कहाँ से आंसर दे रहा है, कहेगा कि देख करके आंसर दे रहा है, आंसर रख ले होगा बगल में, मार रहा है पहले से आंसर ABC ABC, तुक्का लगा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से देख लेंगे और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो अपना देख लेगा, ग्रुप ग्रुप चालू है, ग्रुप ग्रुप में भी भेज दीजिएगा कि अपना वीडियो देख ले। चलो इसमें आज हम लोग रहने देते हैं इतना ही, अगला क्लास कल क्लास ऑफलाइन, कल क्लास ऑफलाइन बंद है, ऑफलाइन बंद है, ऑनलाइन होगा मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग वाला बंद है, और आपका जो है हम सोमवार से, मतलब मंडे से जो है, मंडे को तो बंद ही रहेगा, सोमवार को बंद रहेगा, मंगलवार से जो है टाइम को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आप लोग के लिए, सही ना, टाइम को भी चेंज कर देते हैं, 11th वाले को पहले और 12th वाले को बाद में, हाँ ऐसे कुछ करते हैं, क्योंकि कुछ शिकायत आ गया है कि 11th वाले यहाँ पे क्या करते रहते हैं, हल्ला करते रहते हैं, इसलिए। चलिए खैर, इसको आप दोबारा देख लेंगे, सही ना, क्योंकि ट्रिक को एक बार लिख लीजिएगा, जितने भी ट्रिक बताया गया है प्रत्येक चैप्टर वाइज हम ट्रिक आपको बताएंगे, डिफ्रेंशिएशन का भी ट्रिक बताएंगे, सब चीज़ का आपको ट्रिक बताएंगे, जल्दी से जल्दी आपको हो सके जितना हो सके हम सभी का ट्रिक बताएंगे, कि आपके एग्जामों में जब आप सवाल बना रहे हो तो उसका आंसर यदि आप बना दिए सही है कि गलत है आप खुद चेक कर सके, सही ना, खुद आप चेक करेंगे, खुद आप चेक करेंगे। तो आज के लिए हम रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और जो भी होमवर्क है फिर से सुन लीजिए एक बार फिर से, और समाकलन डिफिनिट या इनडिफिनिट आपके पास जो भी पब्लिकेशन का बुक हो सभी से बना लेंगे, चाहे वो आपका क्वेश्चन बैंक हो, मॉडल पेपर हो, कहीं से भी इंटीग्रेशन का सवाल होना चाहिए वह आप बना लीजिएगा, यदि आपसे सवाल नहीं बना ऑफलाइन क्लास में आकर के आप लोग पूछ लीजिएगा, सही है, पूछ ही लीजिएगा, एक दो रोज में इसको ख़त्म ही कर लो, दो रोज आपके पास समय है, क्लास ऑफ है, तो आप उसको अच्छे से घर पे रिवीजन कर ले, अच्छे से देख लें जितना हो सके उतना, एक दिन मैथ, एक दिन हाँ गुड नाइट, एक दिन मैथ, एक दिन फिजिक्स को अच्छे से देख लीजिए, केमिस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा समय दे दीजिए। चलिए रहने देते हैं आज, जाते जाते लड़का सब जुड़ रहा है, अच्छी बात है।
चलिए तो आप लोग के